सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com, इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं, असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रभाग समिति एक में आज 9 दुकानों पर तोड़क कार्रवाई की गई। यह तोड़क कार्रवाई कैंप एक के भाजी मार्केट के पास अनिल गुलाब जामुन दुकान से सोनारा हाल वाले रास्ते पर मनपा की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। इस रास्ते को चौड़ा किया जाना है। हमारा जबरदस्ती नुकसान किया जा रहा है, हमें कोई भी मार्किंग नहीं दी गई है, जबकि हम खुद तोड़ने के लिए तैयार हैं, बावजूद जबरदस्ती हमारा नुकसान किया जा रहा है, ऐसा स्थानिक दुकानदार ने आरोप किए हैं। निशान तो दो, निशान देंगे, निशान के हिसाब से तोड़ा जाए वो ठीक है। इनको रिक्वेस्ट करें, जब सब लोग खुद तोड़ने के लिए तैयार है, खुद तोड़ने के लिए दे रहे, जबरदस्ती इतना पब्लिक का नुकसान करने का मतलब क्या है? आपको कोई नोटिस बिटिस दिया था? कुछ भी दादा, नोटिस बात करने के लिए दिया था, कोई तोड़ने के लिए नहीं दिया था। बात करने के लिए कोई आवे ना, नगर सेवक आवे, कोई भी आवे, बात करने के लिए तो आवे, ऐसा जबरदस्ती तोड़ के नुकसान करके क्या? मैं आपको नोटिस भी हमको दिया? बोल रहे कि भाई हम तोड़ने के लिए तैयार है, निशान तो दो, निशान ही नहीं दिया है, कोई निशान नहीं, निशान नहीं। आज की हुई इस तोड़क कार्रवाई और दुकानदार द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर उल्लासनगर महापालिका के सहायक आयुक्त अजीत गवेरी भी क्या बता रहे, आइए वह भी जानते हैं। समिति क्रमांक 1 च्या कार्यक्षेत्र मध्ये आज दिनांक रोजी 18 दिनांक रोजी कार्यवाही अनधिक बांधकामावरती कार्यवाही करण्यात आलेली आहे। या अनधिक बांधकामांना गेल्या 2 महिन्यापासून आम्ही नोटीस देतोय, त्यांनी स्वतः काढून घ्यावं किंवा महापालिका काढून घेईल असं आम्ही त्यांना नोटीस दिलेली। महापालिकेकडून स्वतः त्या बांधकामधारकांनी ही कारवाई केली नाही निष्कासनाची, म्हणून आज दिनांक प्रभाग समिती क्रमांक 1 कडून ही निष्कासनाची कारवाई करण्यात येत आहे। एकूण 9 बांधकामं आहेत, त्याच्यावरती आम्ही आज निष्कासनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे, तशीच अनधिक बांधकामावरती नियमित कारवाई करण्यात येणार आहे। उल्हास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राईब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहिले आपके मोबाईल पर।